गौरीघाट में हुए दौरी हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए मोहित गुप्ता, गोलू कुरैशी, दीपक झारिया और आकाश झारिया हैं। इनमें से एक नाबालिग आरोपी है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का गौरीघाट इलाके में काफी आतंक है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त हथियारों को भी जब्त किया गया है, तो वहीं पुलिस ने इसे पुरानी रंजिश बताया है। गौरीघाट में दुर्गा नगर में परसों रात में पुष्पा ठाकुर जी की रिपोर्ट पर अब 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें मृतक दो भाइयों की हत्या हुई थी। उस हत्या के प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए और उस निर्देश पर थाना प्रभारी गौरीघाट और उनके स्टाफ में ट्राईसी में गौर ने और पूरे स्टाफ ने मेहनत करके जो नामजद अपराधी थे उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं और गिरफ्तार कर उनको हम जेल भेजा जा रहा है। क्या क्या नाम है इनके? इनके नाम है मोहित गुप्ता, गोलू कुरैशी, दीपक झारिया और अक्कू झारिया, आकाश झारिया। अन्य इसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना करके अन्य जो लोगों के नाम आएंगे उनके अलग से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनसे सभी के हथियार भी जब्त हुए हैं, डंडा और कुल्हाड़ी, चाकू, ये हथियारों का उपयोग किया गया था इनसे, इनके और साथ ही साथ पहने हुए कपड़े जिसमें खून आलूदा कपड़े और अन्य साक्ष्य जो भी कंसर्निंग थी वो सब समाहित की गई है। हत्या क्या कारण था? हत्या में ये इन लोगों का करीब एक महीना पहले मृतक पक्ष और इनका जो विवाद हुआ था और विवाद होने पे दोनों के बीच में मारपीट हुई थी जिसमें अपराधी पंजीबद्ध थे और मोहल्ले में छोटी छोटी सी बातों में जो विवाद होते हैं उसकी परिणति नासमझी रूप में इस तरीके से संगठित करके योजनाबद्ध तरीके से करके हत्या की गई है।